हम इस चीज को बोलेंगे चूहा बोर्ड तो एक नहीं बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। वो रिएक्शन बड़ा भावुक रिएक्शन था जब हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा। हमने जो कमिटमेंट किया और जो हमें जिस मकसद से आए वो मकसद हमारा पूरा हुआ हमारी लाइफ का। हमने 18 मीटर अंदर तक पाइप डाला है, ये जो हमें 15 मीटर डालना था, बट ये जब दूसरी तरफ शो नहीं हुआ, पाइप निकला नहीं, उसके ऊपर मलबा था, तो हमने उसे 18 मीटर के करीब इसमें एक पाइप जोड़ के और डिक किया जी। तो आपकी टीम में कितने सदस्य हैं, कितने कैसे कैसे करके अंदर गए? सर मैं और मुन्ना पार्टनर हैं और बाकी 10 लड़के काम करने वाले वर्कर हैं। और ये लड़के सब जैसे हमें टारगेट दिया हुआ था, पाइप जैसे 900 का डाया था, 900 के अंदर 800 का डाया डाला हुआ था सर, उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग प्रोसेस है, हम इस चीज को बोलेंगे चूहा बोर्ड तो एक नहीं बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। आगे से मिट्टी काटते हैं, पीछे मिट्टी फेंकते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं सर ये। तो उसके बाद जब पहला रिएक्शन क्या था जब आप वहाँ पर? सर वो रिएक्शन बड़ा भावुक रिएक्शन था जब हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा, तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है सर, वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। हमने जो कमिटमेंट किया और जो हमें जिस मकसद से आए वो मकसद हमारा पूरा हुआ हमारी लाइफ का, और उन्हें मकसद इस चीज का जो आज छोड़ चुके थे कि भाई हम आज निकले कल निकले या निकल भी पाएंगे निकल पाएंगे, वे फ्री बिना खरोच के वहां से आराम से मतलब निकल गए।